सर्कल की आप देखिए, टीम एक्स पार्क इस बार नोबरे पॉइंट पे उतरने का उन्होंने निर्णय लिया था। चलिए अभी के लिए डिसेंट, लेकिन हाँ अब होती हुई फाइट, और इस फाइट की हमने बात करी थी, हालांकि आगे जा रहे हैं तो शायद टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स फंस ना जाएं। अभी अभी एक फाइट से निकले और सामने का इंतजार करते हुए गॉड लाइक के प्लेयर्स एक एक करके टेक डाउन करेंगे। पंख ने भी काफी अच्छे तरीके से अपने प्लेयर्स को टेक डाउन किया, हालांकि जस्ट साइडलाइन से रेकनिंग के ऊपर हावी होने की कोशिश थी। अब बचे हैं सारंग इकलौते, मुश्किलों में फंस गए, जो कि सिचुएटेड रहता है। डेफिनेटली एक्जेक्टली बोट लेते हैं और एक ग्लाइडर भी मिलता है जो कि सिचुएटेड रहता है। ओ ये टीम तो फाइट लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। इंस्टेंटली पंख रुके और फाइट लेना चाहते थे, हालांकि दोनों साइड से एमो खत्म हुआ। वापस एक सेकंड स्टांस के लिए आ रहे हैं, पंख प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे हैं। दी असॉल्टर पंख दैट स्टिल इज सर्वाइविंग। आईजीएल पंख से ज्यादा खूंखारी असॉल्टर पंख है, और अब जोनाथन भी स्लेय में है, लेकिन उनको टेक डाउन किया जाएगा। मैक खुद को हील करवाना चाहेंगे, आदित्य ने भी फाइट ली, हालांकि पंख को देखना है, पंख को अभी तक देखा नहीं है। पंख डेफिनेटली फाइट ले सकते हैं और एक और खिलाड़ी को लेकर के जाएंगे। अब इस पूरी फाइट में मैक बचे हैं इकलौते, लेकिन ये रौद्र रूप इस टीम का यही चाहिए फाइनल्स में। पंक को जितना टाइम बाय कर सकते हैं उतना ही बाय करना पड़ेगा, जल्द से जल्द वो रिवाइवल ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समय वो थर्ड पार्टी की घोषणा हो सकती है। और ऑलरेडी देखिए मैक प्लेइंग लाइक अ हीरो, उन्होंने सिर्फ ग्रेनेड दिया आकर के, लेकिन पंख का जो एंगल है वो काफी अलग बन चुका है। पंख आए, बगी की आवाज आ चुकी थी, व्हीकल की आवाज आ चुकी थी, मैक को पता है उनके लिए आगे कुआं पीछे का ही प्रॉपर बन चुकी है। आशुतोष रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, अपने थॉमसन को रीलोड करने के बाद आगे फाइट लेना चाहेंगे, और 8-bit के खिलाड़ियों को डेफिनेटली रोक दिया गया है, यही खत्म किया जाएगा। देयर इज नो स्टॉपिंग पंख। चेकमेट गॉडलाइक द्वारा हमें देखने को मिला, और लाजवाब प्रदर्शन, 7 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हालांकि जोनाथन को गवा दिया। भी कर रही है जोन के बिल्कुल साइडलाइन से, एक समय पर कहां पर थे और फिर पूरा मूवमेंट कर करके गॉड स्विंग के पीछे आ रहे हैं, वो अराउंड द जोन एक पेंडुलम रोटेशन करते नजर आते हैं। जो नियो का वो फिनिश निकालेंगे, बट चलिए कोई मलाल नहीं है, कार्निवल गेमिंग 11 फिनिश पॉइंट्स, आई विल टेक दैट। कार्निवल इज देयर अभी, बट गॉड्स रेन अभी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं टीम गॉडलाइक के खिलाफ, बट टीम ओजी स्टिल रूलिंग नाउ। टीम 16 लोग जीवित है अभी भी, और रैंक 10 वो हायर ग्राउंड वो जोन का एज पकड़ के बैठे हैं। मोगो पूरी फाइट से अलग, कोई पार्ट नहीं चाहिए उनको इस फाइट का, बाद में वो अपने लिए नंबर्स उठाएंगे, और मोगो को चाहिए भी ऐसा ही गेम जिसके अंदर वो एकदम से एक अच्छी जंप मार सके। दिस कैन बी अ मोगो गेम, बट ओरांगुटान वो पहले पर है और वो और ऊपर जाना चाहते हैं। 4 टीमें बची हैं, टीम तबलास के ऊपर हावी है, डाल रहे हैं, अगर कहीं पर क्रॉस है तो डेफिनेटली फाइट लेंगे। मान्या ने बिल्कुल सामने खिलाड़ी को देखा, दूसरा खिलाड़ी भी सामने देख चुके हैं, उनके ऊपर भी एस्ट्रल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो खिलाड़ी टेक डाउन किए हैं, तीसरे के ऊपर भी शॉट डाले, रीलोड पर जाना पड़ेगा। जी नहीं, वेपन बदला है, साइडलाइंस के खिलाड़ी को नहीं देखा, हालांकि यहीं पर मैक्स आते हैं और सीधा फाइट लेते हैं, बट अब बैकअप आया, बट इट वाज अ बिट टू लेट। जोन के बाहर एक और फाइट होती हुई, कार्पे डीएम इज हंटिंग डाउन द नेम्स फॉर देम, बट यहां पे टीम गॉडलाइक का तूफान, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। ये भी सही टाइम पे इन्होंने भी वार किया सिचुएशन के अंदर, और पूरा क्लीन अप देखने को मिला। कापे डीएम भी गेम से बाहर हो चुकी है, हमने बात करी है रिसेंटली गॉडलाइक के बारे में, वो सिनर्जी फाइनली उस टीम से नजर आ रही है, किस टाइम पे वार करना। पंक बहुत सटीक तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, बात करिए रिसेंटली गॉडलाइक के बारे में, वो सिनर्जी फाइनली उस टीम से नजर आ रही है, किस टाइम पे वार करना। पंक बहुत सटीक तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, रिवाइवल चाहिए, बट यहाँ पर अब ये फाइट हो चुकी है, अब पंक को कुछ भी करके सर्वाइव करना है। एंड द फ्रैगर नोज इट वेल, एडमिनो को टेक डाउन किया गया, टूट रहे हैं, लेकिन एडमिनो को खत्म किया जाएगा। पंक इस मॉक्स में, पंक फंसे हुए आगे, डब्ल्यू एस बी अभी प्ले ऑफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, उसको जारी रखने की कोशिश होगी। पंक ने खुद को हील किया, बट टीम तमिलास वो अगर ऊपर की तरफ को आते तो उनको शॉट्स पड़ रहे हैं। डब्ल्यूएसबी के खिलाड़ी एक बनाम तीन की ये परिस्थिति है, पंक हाथ में इनके डीबीएस, एक खिलाड़ी को चलिए स्पॉट तो किया, शॉट भी लिए, कनेक्ट भी किया, गॉड्स हो चुके हैं डाउन, जल्द से जल्द इसे फिनिश में तब्दील करना पड़ेगा, एंड कर भी लिया है। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, लेकिन अभी उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है, उनके बिल्कुल सामने शिकारी रहेंगे, और ज़ेरेफ उसी जगह पर एक ग्रेनेड किया जा सकता है, ज़ेरेफ शायद वो ग्रेनेड इसीलिए कुक कर रहे हैं। आशुतोष के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, जी हाँ, एक और टीम का एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ। डब्ल्यूएसबी उन्हें पता चल चुका है उनके पीछे कोई नहीं, लेकिन साइडलाइंस में टीम तमिलास तो अभी भी बैठी है, ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे 100 में। And man, Aikul, everyone from the team Aikul Sol, they're performing really good. But IGL ne khud ko grenade kar liya, thodi der pehle kafi badhiya moment tha. But team Godel, they're slamming in, they're going in for the compound. Team Tamilaz unka intezar kar rahe, but ek ek karke S12 ki yahan par justify karte hue har ek bade player ko gutte ke dam pe majboor kara. Team Godel right now having a certain advantage nikala, aur badhiya finishes mile yahan pe Carnival ko, aur isi ke sath jo saath pe mila hai muft, wo mila hai zone control bhi mila hai. Hector ne tarike se khel rahe aur finishes kafi sare ab nikalenge.
सर्कल के अंदर इन्हें भी प्रवेश करना पड़ेगा, बशर्ते सर्कल काफी ज्यादा ओपन है और यहाँ पे टीम गॉडलाइक काफी ज्यादा सीमित सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। एक प्लेयर हील बैटल करेगा, दूसरा प्लेयर बाहर निकलेगा, के इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं लगते। सारी एडवांटेज एक तरफ और एक तरफ हमारी ग्लोबल ईस्पोर्ट जी फाइटिंग बढ़िया शुरुआत करी है। आप लीडर बोर्ड पे अपना दबदबा बना सकते हैं, बट प्ले जोन यहाँ पर जोनाथन को निकलते हुए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैंटम को ढूंढ लेते तो चीजें खत्म हो सकती है। ये स्पॉटिंग बाद में होगी, उससे पहले जी गॉट प्ले जोन से अपनी जान गंवाते हुए देखेंगे। इट्स अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, एक तरफ तीन प्लेयर एक तरफ दो प्लेयर, पोजीशन की खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो सकते हैं और बैक साइड से जी गॉड उन्हें टेक डाउन करेंगे, फिनिश भी उठाने की कोशिश। मतलब यहां पर वेनम बच रहे थे ओजी से और जा फंसे गॉडल के हत्थे। फैंटम को पिक किया जाएगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुके आईकू सोल के सामने। ये फाइट लेजेंडरी है, ये वो फाइट है जो सोल के प्लेयर्स के पास डेफिनेटली काफी अच्छे कवर्स हैं, काफी अच्छे एरियाज हैं और इस चक्कर में जी गॉड सोमे को टेक डाउन करेंगे। एक ग्रेनेड और कहानी खत्म हुई, जिससे कि वो रशन कर पाए। अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो कौन सा प्लेयर कहां से आएगा। इट कैन बी अ बिग ब्लंडर टू, खेलना है जो भी करना है साथ में करना है। दे आर रशिंग, दे आर फाइटिंग, बट ज़ीगॉड को टेक डाउन किया जाएगा। नकुल का एक ग्रेनेड आया, फाइट को इवन स्टीवंस किया है, 3v3 का ये बैटल बन चुका है और एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया नकुल। जोनाथन को लेकर के जाते हैं स्मोक के थ्रू शॉट्स लिए काफी आराम से। एंड लुक एट दैट, यू जस्ट सी वन नेम स्टैंडिंग देयर, आईकू सोल। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।